राजा का बेटा राजा, सुल्तान का बेटा सुल्तान। जिसे राजा बनना होता था उसे राजा के घर पैदा होना पड़ता था, क्योंकि भाई जो रानी के पेट से पैदा हुआ वही राजा बनेगा, क्योंकि राज करने के सारे गुण माँ के पेट में ही हासिल होते हैं। इस बकवास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने ख़त्म किया, लेकिन हम ठहरे इंसान, किसी भी आविष्कार को अच्छे इस्तेमाल से पहले बुरे इस्तेमाल का तरीका पहले ही निकाल लेते हैं। इसलिए हमने एक नया रास्ता निकाल लिया, नेपोटिज्म। एक्चुअली रास्ते तो तीन निकाले हैं, नंबर एक नेपोटिज्म, नंबर दो रेसिज्म, नंबर तीन कास्टिज्म। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की। हर इंसान के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, लेकिन मेरे ये अभी तक समझ नहीं आया फिल्म स्टार्स के सारे किड में एक ही कॉमन टैलेंट है, वो है एक्टिंग। ये तो चमत्कारी हो गया, सब में एक ही टैलेंट, कोई कुछ और नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है भाई? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे इस लाइन में जाने के लिए फोर्स भी किया, बट मैंने इंजीनियरिंग, चलिए छोड़िए, फिलहाल मैं डॉक्टर तो नहीं बना, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर डॉक्टर बना तो पेशेंट्स की खैर नहीं, पर स्टार किड्स फिल्म स्टार ही बनेंगे। एक्चुअली बचपन से ये लोग कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन इनके फिल्म स्टार्स पेरेंट्स इनके लिए एक ऑप्शनल करियर चूज करते हैं, वो है एक्टिंग। कि अगर कुछ ना हो सके तो यहीं चले आना, खानदानी सफाकाना है, इस पैसे में उतर जाना। अब भाई जिसे एक्टिंग नहीं आती उसका करियर तो खतरे में है, अब क्या किया जाए? तो इनकी आइडियोलॉजी में क्रांति लाया ये आइडिया, एक छोटी लाइन तब तक बड़ी ही मानी जाएगी जब तक कि वहां पर एक उससे बड़ी लाइन ना बना दी जाए। समझ गया क्रोनोलॉजी? तो बड़ी लाइन बनने ही ना दो जो छोटी लाइन छोटी मानी जाए। अब बड़ी लाइन कौन है? बाहर से आने वाले एक्टर। बाहर से आने का मतलब है ग्राउंड से उठने वाला टैलेंट। बाहर के टैलेंट से ये लोग अनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिंग के लिए सबसे बड़ा हथियार है ऑब्जर्वेशंस। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जैसे कपिल शर्मा और नवाज भाई को देख लीजिए, पड़ोस के चाचा मोहल्ले की लाइट जाने पर कैसे बिहेव करते हैं, गरीबों की शादी में फूफा जी के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, शर्मा जी का बेटा पास हो जाए तो शर्मा जी कैसे सब पर डींगे मारते हैं। ये ग्राउंड से ऊपर तक सब तरह के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक्टिंग में ये सबके बाप होते हैं। अब ऐसे लोग अगर फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो ऑडियंस बकवास एक्टिंग क्यों देखना पसंद करेगी? इन्हीं को देखेगी ना। तो कॉम्पिटिशन खत्म करने का एक ही तरीका है, कॉम्पिटिटर को ही खत्म कर दो। देखिए ऐसा कितने टाइम से हो रहा है हमें पता तक नहीं। तभी मैं काफी देर से सोच रहा लोग साउथ इंडियन मूवीज की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि यहां तो घर के प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर सब घर का ही आदमी काम कर रहा है, टैलेंट से तो मतलब है ही नहीं। तभी पिछले दिनों कई ऐसी फिल्में बनी जो कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही ना चला। हैप्पी एंडिंग के बाद इतना मालूम हुआ कि भाई 2.5 घंटे का टाइम खराब हुआ। हॉलीवुड में कितना भी बड़ा स्टार हो, फिल्म की स्टोरी लिखे जाने के बाद उसे रोल का ऑडिशन देना पड़ता है। इसलिए हमने देखा होगा बड़े बड़े स्टार कभी कभी आपको छोटा रोल करते दिख जाएंगे, बट यहाँ तो हीरो को पहले चूज किया जाता है और स्टोरी बाद में लिखी जाती है। जब उनकी इतनी दगती है इंडस्ट्री में तो उनके बच्चे काम के लिए दर दर क्यों भटके? कुछ लोगों का कहना है सुशांत सर की मौत का तमाशा मत बनाओ, तो मेरे भाई अभिनव कश्यप, कंगना राणावत जैसे लोग आज सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्होंने पहले किया? सुशांत सर की मौत के बाद ये एक आवाज उठी नेपोटिज्म के खिलाफ, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। आप कोई सोचे बॉलीवुड के इंटरनल मैटर्स से हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ फिल्म देखना है, पॉपकॉर्न खाना है, चले आना है। तो दोस्त हर ड्रामे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी ऑडियंस। हमारे समाज पर सबसे बड़ा इफेक्ट फिल्मों का पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्टर अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता वह अश्लील फिल्मों की तरफ भागता है। जब इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर्स नहीं होंगे तो कमाई करने के लिए बल्गर और न्यूड फिल्में बनाई जाएंगी, जिनका समाज पर क्या असर पड़ेगा ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। हमें फिल्मों से इंस्पायरेशन मिलता है, धोनी और मैरी कॉम जैसी फिल्में देखकर हमें कुछ कर गुजरने का इंस्पायरेशन मिलता है, वहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्में देखकर कॉलेज में प्यार प्यार खेलने का इंस्पायरेशन मिलता है। अच्छा स्टार किड्स ने गरीबी तो देखी नहीं, इनके लिए तो अभी तक गरीबी एक एडवेंचर है। वाह वो देखो गरीब, चलो उसको मूंगफली फेंक के मारो, देखो कैसे रिएक्ट करता है, कम ऑन गाइस लेट्स डू इट, या सियाप्पा है। इसलिए इनको फिल्म भी अमीरों की दी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत उसी में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिल्में अमीर बनने की होनी चाहिए, ना कि अमीरों की। अमीर बनने की कहानी से हमें सही इंस्पायरेशन मिलेगा कि कैसे सपनों की ऊंचाइयां छुएं। जब फिल्मों में कोई ऑलरेडी अमीर दिखाया जाएगा तो हमें लगेगा सारे लोग पैदाइश ही अमीर हैं, शायद हमारे बाप दादा की गलती है जो हम सबके जैसे अमीर नहीं है। इससे हमारे अंदर अपने पेरेंट्स के लिए एक विरोध पैदा होगा,
आप लोगों ने कुछ नहीं किया इसलिए मैं सिंपल कॉलेज में हूँ। अगर आप लोग कुछ कर दिखाते तो मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे कॉलेज में होता, बड़ी कार से पढ़ने जाता, लड़कियों के साथ पार्टीज करता, एंजॉय करता, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, इन भाई साहब ने सारे स्टार किड्स को लॉन्च करने का ठेका ले लिया है। पूरी इंडस्ट्री में इनके कंधों पर स्टार किड्स को स्टार बनाने की जिम्मेदारी है। ये जनाब हमेशा क्लास स्टैंडर्ड की ही बात करते मिलेंगे। जब कोई नीचे क्लास से कोई एक्टर ऊपर उठता है तो इनके मन को बड़ी ठेस पहुंचती है। ओह, ये तुच्छ प्राणी कैसे आ गया। और फिर दो चार लोग मिलकर उस बंदे को हर जगह बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और वो बंदा इन सब चीज़ों को झेलकर भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी के बाप की जागीर नहीं। अब ऑडियंस जाग चुकी है, हमारा पैसा लूट के हम ही को तुच्छ प्राणी बोलने वाले लोगों को अब अपनी पावर दिखा देने का समय आ गया है। अब मासी मासी को दिखा देना है कि माचो माचो क्या होता है। ज़्यादा खुलकर बोल दिया हो तो माफ़ करना, क्योंकि घुमा घुमा कर बोलने का अब टाइम नहीं रहा। नाइंसाफ़ी कहीं भी हो, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जो आम जनता कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद।